अति सुंदर विषय है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि बदलने का कार्य हमारे इस एपिसोड का है, दृष्टि बदलने का कार्य हमारे इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम का है। दृष्टि क्या, इस पर हम बात करना चाहेंगे। तो पहले हम दृष्टि को प्राप्त करने के लिए पहले हम कुदरत को जानना चाहेंगे। हम दो चीजों पर इस आज के एपिसोड को व्यवस्थित करते हैं। पहला तो मैं कौन हूँ, दूसरा ये इस कुदरत को चलाने वाला कौन है, ये जगत का नियंता कौन है, इस सृष्टि का संचालक कौन है। तो इन दोनों को करने के बाद के अंदर हम दृष्टि की बात करेंगे। और जब आपको एक दृष्टि मिल जाएगी तो दृष्टि मिलने के बाद में ऑटोमेटिकली आपकी सृष्टि अच्छी बन जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कुदरत क्या है। ये जो चराचर जगत है, ये ब्रह्मांड है, ये कॉस्मोस है, और ये दुनिया है, ये अर्थ है, ये संसार, ये जो वर्ल्ड है, वो जो चलता है वह इन छह तत्वों के समवाय से चलता है। छह तत्व मिलकर के और ये संसार को चलाते, संसार की हर गतिविधि इन छह तत्वों के माध्यम से होती है। इसको चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं है, ये छह तत्व ही है जो भूत भविष्य वर्तमान में हर समय में इस जो है वो विश्व को चलाते हैं। और ये छह तत्व सर्वव्यापी है, पूरे विश्व में मौजूद है, जिसको लोक कहते हैं। एक अलोक होता है जिसके अंदर केवल आकाश एक ही तत्व होता है, वह अलोक होता है। वहाँ पर कोई भी जीव नहीं, जंतु नहीं, और कोई तरह की हलचल नहीं, कोई तरह का जो है गतिविधि नहीं। तो हम लोक की बात कर रहे हैं। इस संसार को चलाने वाला कुदरत जो है, जिस कुदरत कहिए, प्रकृति कहिए, संसार कहिए, छह तत्व। देखिए इसके अंदर पहला तत्व जो है वह है जीव। जीव का अर्थ हुआ था आत्मा, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जीव कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। आत्मा के गुण होते हैं कि वह जो है अनुभूति करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, प्रजनन होता है उसके अंदर, और उसके अंदर जो है वो ग्रोथ करता है, और उसके अंदर फीलिंग होती है, और उसके अंदर राग द्वेष वगैरह पैदा होते हैं। अगर वो बद्ध आत्मा होती है तो प्योर आत्मा तो 24 कैरेट का सोना होता है, अशरीरी होती है। तो ये हो गया जीव तत्व। और अजीव दूसरा तत्व होता है, अजीव तत्व, जड़ तत्व, मैटर तत्व, इन एनिमेट। और एनिमेट को हम जीव तत्व कहते हैं, लिविंग बीइंग। और दूसरा जड़ तत्व को इन एनिमेट, मतलब अजीव, जड़, मैटर, पुद्गल, कई नाम हो सकते हैं। तो वह जड़ क्या है, वो जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, और स्पर्श होता है, और गलन मिलन धर्मा होता है, वो भौतिक होता है, वह जो है भौतिक चीज़ों से बना हुआ होता है। और ये वर्ण गंध रस जो है ये आपस के अंदर बदलते रहते हैं। और ये जो है जड़ तत्व टूटता है और फिर मिश्रण होता है, एक परमाणु दूसरे में मिक्स होता है, फिर अणु बनता है, और सारी सृष्टि जो है ये जड़ तत्व से बनी हुई सृष्टि है। शरीर भी जड़ तत्व से बना होता है, पांच भूतों से बना होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो है ये पांच भूतों से बना होता, सारा ये जड़ तत्व होता है। तो ये जीव अजीव। और तीसरा होता है कि तीसरा होता है गति, गति सहायक। जैसे ये मेरा शरीर है, इसके भीतर गति चल रही है कि इसके अंदर कोशिकाएं काम कर रही है, हलन चलन हो रहा है, इसके अंदर सिस्टम काम कर रहे हैं, उत्सर्जन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, हार्ट का सिस्टम है, और पाचन शक्ति है। ये सारी जितनी गति है वो गति सहायक जो है तत्व होता है, जिसको कि मोशन कहते हैं। और मोशन दूसरे रूप में होता है कि पूरे ये सारे जितने भी जो तत्व है, जो चेतन तत्व और जो जड़ तत्व है, ये सारे संसार में व्याप्त है। और चेतन तत्व को छोड़ करके पांचों जड़ है, अमूर्त है, एक सिंगल तत्व है, और ये पूरे विश्व के अंदर व्याप्त है। ऐसी कोई जगह नहीं है जो है सूर्य सुई की नोक जितनी भी जगह नहीं है जहाँ पे व्याप्त ना हो। और ये अमूर्त भी है, पुद्गल है, और ये उदासीन है। जब डिमांड की जाती है ये तुरंत जो है गति करने वाला जड़ या चेतन होता है उनको प्राप्त हो सकता है। तो ये मोशन तत्व,
हम कोई भी ट्रेन खड़ी है और वो जो जो ही हैंडल दबाया ड्राइवर ने वो चलना चाहती है, तो उदासीन भाव से जो हमारा गति सहायक तत्व है, मोशन देने वाला है, वो सारे सृष्टि के अंदर व्याप्त है, तो वो उसको मोशन देता और गाड़ी चल पड़ती है। अब देखिए कि जैसे ये शरीर है तो कई बार एकदम स्थिर हो जाता है, ये स्थिरता है वो स्थिति सहायक है, व्यक्ति चल रहा है और चलते चलते वो चाहता है कि मैं थोड़ी रेस्ट कर लूँ, गाड़ी चल रही है उसको रोकना है, ट्रेन और प्लेन चल रहा है उसको रोकना है, तो स्थिति सहायक तत्व जो है पूरे ब्रह्मांड पूरे कॉस्मोस के अंदर अमूर्त रूप में और जड़ रूप के अंदर वो तैयार है, हाजिर रहता है, और एक सिंगल तत्व है तो वो तत्व तुरंत जो है वह उस मोशन को रोक देता है और स्थिति सहायक के रूप में ट्रेन रुक जाती है, व्यक्ति भागता हुआ कोई भी गतिशील चीज़ होती है वो रुक जाती है। तो ये हमारा रेस्ट तत्व है। और उसके बाद में टाइम, अब देखिए ये अगर शरीर की बात करें तो ये टाइम इस पर लागू होता है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है। उसी तरीके से पूरे विश्व पर दें तो फला विश्व के अंदर सूर्य इतने बजे उगता है, इतने बजे अस्त होता है, और हमारे को वो ट्रेन का टाइम इतना है, इतने बजे जाना है, ये सारा समय बताने वाला तत्व है, ये टाइम तत्व है जो कि समय बताता है। और समय छोटा से छोटा जो है वो एक समय होता है, एक समय में पलक झपते हैं जो कई असंख्य समय चले जाते हैं, उसके बाद में अवालिका है और उसके बाद में सेकेंड है, मिनट है, घंटा है, और घंटे के बाद में दिन है, पक्ष है, और उसके बाद के अंदर वर्ष है, सेंचुरी है, और जो है दो आर्य होते हैं, अवसर पीढ़ी काल, उत्सर पीढ़ी काल, 20 करोड़ सागर का पूरा जो एक काल चक्र बनता है।